माई फूडीज so, तो आज का दिन आ चुका है आप लोगों को थोड़ा क्रेव दिलाने का तो मैंने सोचा क्यों ना आज छोले कुलचे बना लिए जाएँ तो मैंने छोले की तैयारी तो करने रख दी थी उनको बॉईल करने के लिए फिर मैंने कुलचे की तैयारी शुरू कर दी कुल्चे मैंने क्या लिया है आटे लिया है मीन्स ऑल प्रपर्स फ्लोर लिया है मैंने मैदा नहीं यूज़ उस किया उसमें मैंने दही डाला है सॉल्ट डाला बेकिंग सोडा डाला है एंड देन बेकिंग पाउडर ऐड किया है और इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच तेल डाला था ताकि मीन्स जो उसकी पफी ना वो आराम से आ सके और इसके बाद बस इसको हल्का सा मैंने आटे को ना बहुत परेशान कर दिया था वो मुझसे कह रहा था बस कर बस कर बट मैं कहाँ रहने वाली मैंने क्या किया उसमें गर्म पानी और डाल दिया ये देखो गर्म पानी आ चुका है और बस मैंने क्या किया इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला अदरवाइज उसमें आ तेल पड़ चुका था तो वो बहुत जल्दी हील हो जाता है अब इतना परेशान करने के बाद मैंने पाँच मिनट उसको रेस्ट पर रख दिया फिर रेस्ट करने के बाद मुझे चैन तो मिला नहीं फिर तो मैं सोचा कि ना और परेशान कर दूँ मैंने बस उसमें से आधा आटा निकाला और क्या किया उनको अच्छे से पूरा वो कर दिया इसके बाद मैं इसको डिवाइड करके रोटी निकाल रोटी बनाने के लिए उसमें से आधा निकाल लिया और बस स्प्रेड कर दिया मैंने अच्छे से मैंने बोला ना जितना परेशान कर दो कर दो बस और बस परेशान करने के बाद अच्छे से बिल्कुल वो कर दिया और भी परेशानी उसकी शक्ल ना मुझे अच्छी सी नहीं लग रही थी तो सोचा क्यों ना सजा दू जाएगा तो बेजती नहीं हो जाएगी और बस मैं वो सजाना शुरू कर दिया ज्यादा सजा दिया तो नजर न लग जाए तो काले टीका भी डाल दिया मैंने क्या किया इसे पहले से पानी लगा के देन मैंने तवे पे डाला है और मैंने क्या किया उल्टा सेका है उल्टा सेकते हैं ना तो जो नान या नान या हो या कुलचा हो फीलिंग अलग ही आती है फिर तो अगर सीधा सीधे तरफ सेखो तो फिर तो, 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 तो रोटी जैसा लगेगा दैट्स आए अलग फीलिंग आने के लिए मैंने उल्टा सेका फिर तो मैंने सोचा छोले की तैयारी कर लेते हैं मैंने इसमें क्या किया तीन टमाटर लिए चिल्ली लिए और तीनों को ग्राइंड कर दिया और यहाँ पर मेरे छोले ऑलमोस्ट बॉयल हो चुके थे मीन्स ऑलमोस्ट या हो ही चुके थे आधी तैयारी हो चुकी थी मीन्स मैंने आज क्या किया है मैंने आज बिना तेल मतलब बिना प्याज के छोले बनाए हैं आप लोग प्याज के बना सकते हो बट आज मैंने सोचा कि ना बिना प्याज के ट्राई करते हैं तो मैंने छौके पे क्या किया है इलायची लिए हैं दो और लौंग डाली ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही थी तो ऐसे ही था बस और जो मैंने टमाटर लिए थे ग्राइंड किए उनको मैंने क्या किया तेल पर डाल दिया है और ये तब तक फ्राई हो रहे थे जब तक गोल्डन ना हो जाए तो जब तक वो गोल्डन हो रहे थे मैंने सोचा क्यों ना मसाले रेडी कर लिए जाए तो मैंने मसालों में क्या क्या डाला है सबसे पहले तो एक चम्मच हल्दी पाउडर डाला देन नमक डाला और धनिया पाउडर डाला है एंड देन रेड चिली पाउडर डाला और लास्ट में मैंने इसमें छोला भी छोला पाउडर भी डाला था बट मैंने छोला पाउडर ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मुझे लास्ट में भी डालना होता है आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो और यहाँ पे जो गोल्डन हो चुके थे टमाटर मैंने उन्हीं को पेस्ट जो मसाले का पेस्ट था वो इसमें डाल दिया है और बस मसाले रेडी होने तक का कर वेट करना है और मसाले जब तक मतलब टमाटर में पड़े हुए हैं उनको चलाते ही रहना अदरवाइज वो चिपक जाएंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा फिर मत बोलना कि दीदी ने रेसिपी गलत बता दी इसलिए इसको चलाते रहना चलाते रहना अगर छोले अच्छे चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी हाँ फिर क्या किया है मसाले यहाँ पे पक चुके हैं मैंने क्या किया आलू डाल दिए इसमें आलू कौन से जो बॉयल किए थे वही आलू डालने हैं और बस मैंने चने लिए वो भी डाल दिए और हाँ ये गलती तो बिल्कुल मत करना कि चने डाल के तुरंत पानी डाल दो मैंने इनको बहुत देर फ्राई किया था बट हाँ वीडियो में कौन ही दिखाता है बस तो मैंने क्या किया छोले को फ्राई होने के बाद इसमें जो मैंने पानी इसके साथ बॉइल किया था उसी पानी को डालना है और हाँ जो छोले में नमक डाला है ना उनको ध्यान से डालना अब मेरे यहाँ पे छोले ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं बस धनिया गार्निश करी मतलब आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स कि कितना टेस्टी बना था आप लोग एक बार डिडी रेसिपी यूज़ करो mm, बहुत ही टेस्टी था